तो आज हम लोग आए हैं हमारा गाड़ी सर्विसिंग करने, जो कि हम सफ़र और लास्ट सर्विसिंग किया था स्पीति के टाइम, उसके बाद मैंने सर्विसिंग किया नहीं, खाली ऑयल चेंज किया था क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सब नया पार्ट डाला था। क्योंकि जब भी मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ, अराउंड 6000 किलोमीटर्स हो जाते हैं, तो मैं रिस्क लेता ही नहीं हूँ, जेन्यून पार्ट्स लाता हूँ, खुद डालता हूँ। आपने देखा होगा मैंने सब जेन्यून पार्ट्स लाए, TVS जुपिटर जो सर्विस सेंटर है वहाँ से लाए। अभी आए हैं हम जावेद भाई के पास, थोड़ा सर्विसिंग करेंगे, टिक टाक करेंगे कि 2 दिन बाद हमको निकालना है लद्दाख के लिए दूसरी बार। तो देखते क्या क्या पार्ट्स चेंज करेंगे आज हम लोग। ऑलमोस्ट मैंने सब पार्ट्स लाए, खाली क्लच रोलर मिला नहीं है, वो जो हम लोग लोकल डाल देंगे, उसका इतना प्रॉब्लम नहीं, बस बाकी सब A to Z पार्ट्स मैंने नए लाए। तो गाड़ी पूरा खोल दिया है जावेद भाई ने अभी यहाँ पे, देखते क्योंकि लास्ट टाइम मेरा प्रॉब्लम आया था ये पेट्रोल पाइप है उसका, और ये जो इसके अंदर मैंने एक पार्किंग के लिए, दोनों जलता है पार्किंग के लिए रात में, उसके लिए मैंने योग किया था, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आया था, वो भी चेक करेंगे अभी पूरा गाड़ी पहला करेंगे। और पूरा पार्ट्स हम लोग ने यहाँ पे लाया हुआ है जो पूरा जेन्युइन पार्ट्स है TVS का। अभी ऐसा हो गया कि ये बेयरिंग भी चेंज करना पड़ेगा अपने को, और बैटरी का भी बहुत प्रॉब्लम है, जावेद बैटरी का भी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि जब मैं सेल्फ मारता हूँ जो बैटरी कभी का है, अभी देखना पड़ेगा। जावेद कभी का है बैटरी बोला आपने? 2019 का बैटरी है और बहुत चला है, मतलब 19, 20, 21, 22, 14 साल, 3 साल हो गया इसको, बहुत बड़ी बात है चल गया इतना साल। इसके बैटरी भी नया डालना पड़ेगा, खर्चे के ऊपर खर्चा होते जा रहा है यार, क्या करेगा। इसका 5000 हुआ, बैटरी अभी जाएगा, फिर बेयरिंग वेरिंग, क्लच रोलर भी नहीं लिया है। ठीक है कोई नहीं, अपन सेफ होना चाहिए, बहुत वो बहुत ज़रूरी है। रेयर ब्रेक लाइनर लगाने वाले, मतलब पीछे का क्षेत्र साफ किया जा रहा है पहले उसको, कर दो। तो ये पहले वाला लाइनर है अपना ब्रेक, पीछे का रेयर वाला, ये जो चीज़ है ना अभी जो साफ किया, और ये नया वाला देखो, इसमें बहुत डिफरेंस है, कि मुझे रिस्क नहीं लेना है, इसके लिए बोला नया ही डाल दो। ये लो डाल दो अभी। इसका प्राइस मेंशन करूँगा यहाँ पे मैं, कितने का लिया मैंने। क्या आपको लेना हो तो आप ओरिजिनल ही डालो, मैं तो बोलूँगा कि रिस्क मत लो, बाहर से कोई आफ्टर मार्केट कोई भी यूज़ नहीं करना पार्ट्स, मैं यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आफ्टर मार्केट में भरोसा नहीं कर सकते है, कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं, पर 50-50 हो जाता है वो, कभी ख़राब हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, वो कुछ बोल नहीं सकते। तो इंजन का जो अंदर का पार्ट है वो पेट्रोल है ना जावेद भाई, पेट्रोल से साफ किया जा रहा है, ये अंदर का जितना भी डस्ट है वो निकल जाएगा, और फिर न्यू पार्ट्स में कुछ स्टिक नहीं होगा। ये फ्री रहना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद बेल्ट पूरा ये रहता है, क्योंकि खुलेगा नहीं ना बेल्ट, टूटने का चांस रहता है, ये एकदम फ्री रहना चाहिए, तो बेल्ट का अच्छा लाइट चलता है। और ये हमारा क्लच रोलर है, ये चल जाता था पर जावेद भाई बोले कि चल जाता था ये, तो मैंने बोला चलो रिस्क का ही लेने के लिए नया डाल दो, ये स्पेयर में रख देंगे। तो नया वाला क्लच शू अभी इसके अंदर डालेंगे, ये जूना है और ये नया है। ओके जावेद, सबसे ज़्यादा मेहनत ये लगाने में लगती है ना। हाँ लगने का चांसेस है, क्योंकि अंदर स्प्रिंग है तो उड़ने का चांसेस रहता है ज़्यादा। लग गया ये भी मस्त, एकदम फिट हो गया। ये हमारा आगे का लाइनर है, ब्रेक लाइनर, यहाँ पे लाइनर लगेगा, और इतना सारा गंदा चीज़ निकला है यहाँ से, तो ये आगे का जो साफ किया जा रहा है। अभी बेयरिंग भी ख़राब हो गया था, तो अभी बेयरिंग भी निकाल रहे हैं, ये बेयरिंग का हालत क्या है देखते हैं अभी। ये देखो बेयरिंग का हालत, बेयरिंग भी नया डाल देंगे। तो अभी नया बेयरिंग लाया है, अभी जूना बेयरिंग निकाल के अभी नया बेयरिंग डालेंगे। आगे का ब्रेक लाइनर, ये एयर फिल्टर है जो निकला हुआ है, नया वाला भी डालेंगे।
अंदर से अच्छे से साफ करेंगे। न्यूली ब्रांड, अंदर खोलो, देखो ये कैसे इतना वाइट है, येलोविश थोड़ा, पूरा डस्ट पकड़ लिया। चलो इसके अंदर लग गया और ये इसको फिर ये लग जाएगा पीछे अपने इंजन में, फिर से इंजन के ऊपर साइड। ये फ्रंट ब्रेक केबल भी डाल दिया अभी, इसको अंदर से सर एकदम अंदर से निकालना पड़ता है, फिर यहाँ से निकलता है, भी डाल दिया है नया वाला। अच्छा क्लच प्लेट ऐसा था, इसमें रोलर जाएगा, और ये अभी का नया वाला है, इसमें रोलर भी अपने को मिल गया है मस्त में, वो भी ओरिजिनल ओरिजिनल ही है ये वाला TVS का। ये बेल्ट नया वाला और ये जूना वाला, जूना वाला भी ठीक है ना कि खराब हो गया, फिर भी डाल दे तो अच्छा रहेगा, लंबा टूर जा रहे तो बेल्ट अच्छा है। नया वाला बेल्ट भी डाल दिया, तो ये अपना फ्रंट ब्रेक, तो अपना ये बैक ब्रेक भी लग गया है, पीछे का रेयर ब्रेक। तो ये लग गया एक्सीलेटर वायर यहाँ पे, क्लच कर खोल देना, एक्टिवा को पीछे ले, एक्सेस को इसका आगे ले। हम लोग ने कार्बोरेटर पेट्रोल से धोया है, जिसका पार्ट सही है, तो कार्बोरेटर पेट्रोल से ही धोना पड़ता है। हाँ जावेद भाई, कार्बोरेटर पेट्रोल से ही धोना पड़ता है ना, बारिश से कचरा वचरा सब निकल जाता है। हाँ लास्ट टाइम जब मैं लद्दाख गया था तभी ये कार्बोरेटर का मैंने काम किया था वहाँ पे 2018 में, उसका एक फिल्म डाला था उन लोग ने ऊपर से, जो कि पेट्रोल जो अंदर से पास होता है ना वो ऊपर से पास होएगा, वैसा कुछ किया था। तो उसका रीज़न क्या था कि जो अपना गाड़ी जो सांस लेता है वो सांस जल्दी ले लेता है, मतलब सांस लेने का प्रोसेस थोड़ा और फास्ट हो जाता है, तो उससे क्या डिफरेंस होता है कि आपका आप टोटल जब दोगे थोड़ा पुश मिल जाता है उसमें, यही थोड़ा डिफरेंस था जब मैंने किया था। अनफॉर्चुनेटली मेरा जो जितना भी वीडियोस था वो डिलीट हो गया, इसके लिए आपको दिखा नहीं पाया। ये साल तो वैसे करने वाला नहीं हूँ मैं, क्योंकि हर गाड़ी कार्बोरेटर गाड़ी उधर प्रॉब्लम देगा ही देगा, और भी कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसमें और प्रॉब्लम हो सकती है, उससे अच्छा जो है वैसे ही रहने दे, जो भी प्रॉब्लम आएगा हम लोग फेस कर लेंगे, वैसे भी हमारे पास बैक वैन तो है ही, तो हो जाएगा। वैसे पेट्रोल पाइप भी बदल दिया है, पहले का पेट्रोल पाइप किधर है जावेद भाई, जल्दी जाके नया पेट्रोल पाइप लगा दिया, क्योंकि स्पीति राइड के टाइम अपना पेट्रोल का बहुत इश्यू हुआ था, क्योंकि गर्म होके यहाँ से टूट जाता है, तो उसको नया ही डाल दिया है, और वो दूसरा वाला है वो स्पेयर में रख लेंगे। अपना ये जूना बैटरी था वो थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था स्टार्टिंग, मतलब गाड़ी स्टार्ट होने के टाइम प्रॉब्लम, तो नया बैटरी लेके हम लोग, तो इतना खर्चा कर लिया कि तो थोड़ा और खर्चा कर ले, तो नया बैटरी भी इंस्टॉल हो रहा है, तो बैटरी भी यहाँ पे लगा दिया अभी दोनों फ्यूज में, अभी चेक करते हैं बैटरी, 60 भी हो गया मस्त में। अभी प्रॉब्लम और एक आ रहा है कि ये जो मेरा प्लेट है वो ऐसा हिलने की वजह से आवाज़ आ रहा है, इधर वेल्डिंग मारना पड़ेगा एक टाका ऐसा, और इधर और एक प्रॉब्लम हो गया है जो कि है ये देखो टूट गया है, तो इसको भी ऐसा एक चिपकाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत आवाज़ करेगा वो। ये जो नट है ये
टूट गया है पूरा देखो, और उसको चिपकाया गया था निकल नहीं रहा था, तो हम लोग ने ये नया वाला लगाया, अभी नया वाला लीक है, अब ये लगाएंगे और फिर ऑयल बदलेंगे। चलो ऑयल डालते हैं अभी। कितना एमएल डालते हैं? 700, 800, 750, 750 एमएल। इसको वेल्डिंग किया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा हिल रहा था ना इसके वजह से। चलो आज का काम तो डन हो गया बाइक का, मस्त एकदम सुरा टकाटक हो गई है। परसों के दिन हम लोग निकल जाएंगे, आज के दिन में ब्लॉग आ जाएगा। आज है 26th of May, आज ब्लॉग आ जाएगा। अपना काम जावेद भाई ने किया है, जावेद भाई ने एक नंबर काम किया है, मेरे सामने किया है तो पता है भाई काम बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। जावेद भाई आपका गैरेज किधर है बता दो अपने पब्लिक को। मेरा गैरेज है थाने वेस्ट में, सेकंड राबोड़ी पुलिस स्टेशन, ओल्ड पुलिस स्टेशन के बाजू में, जस्ट बाजू में है ना, राबोड़ी ओल्ड पुलिस स्टेशन के बाजू में। इधर आपका नंबर दे रहा हूँ, जावेद भाई जो भी आएगा कॉल करो इनको, बहुत अच्छा सर्विस मिलेगा आपको, जैसा आपको चाहिए वैसा सर्विसिंग करके मिलेगा। तो ये वीडियो का भी हम लोग एंड करते हैं, तो आपको बहुत हेल्प करेगी वीडियो, और जो भी आपकी स्कूटर के प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे वीडियो देखते। तो जितना हो सके उतना शेयर करना है वीडियो, लॉन्ग टूर के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, अगर चेंज नहीं करोगे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी फॉर श्योर। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। टिल देन डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। बूम।